शादी पे धमाल एकदम हॉट सिस्टर थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो गए हैं पूरा सूट बेकार कर दिया वी हैव अ न्यू कैमरा गुड मॉर्निंग सुबह सुबह सैटरडे को वर्कआउट करने की हिम्मत इतनी ठंड में तुमने तो हाथ ही जोड़ दिया मैंने कहा मैं नहीं कर सकता बेटर लुकिंग गुड मॉर्निंग एंड हेलो माई हैप्पी फेसेस वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आज मेरी शक्ल बिना अलग से बत्ती सी है बिकॉज आप लोग भी देख रहे होंगे कैमरे की क्वालिटी बढ़िया हो गई है मस्त हो गई है आई फाइनली गॉट माई हैंड्स ऑन अ न्यू कैमरा इफ यू ऑल हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर अ व्हाइल आई हैव बीन कंप्लेनिंग एंड पेस्टरिंग एवरीबॉडी फॉर सो लॉन्ग दैट मेरा व्लॉग कैमरा खराब हो गया कभी चलता है कभी नहीं चलता फाइनली वो बिल्कुल ही खराब हो गया खैर बट फाइनली मुझे एक नया कैमरा मिला है आई हैव पार्टनर्ड विद निकॉन एंड दे हैव हैंडेड ओवर द निकॉन Z30 This camera is specially for content creators and I have personally used this like I used this in my Goa wala trip I'm quite you know comfortable with this camera situation finally we have a new camera finally we're going to see more vlogs better quality you know I'm also going to enjoy making the vlogs because phone se mere ko maza nahi aata tha vlog karte hue I'm going to talk about this camera in a little while but abhi humne din ki shuruaat kari hai hum log aaj subah se gym gaye hain gym matlab cult gaye hain aur leg day karaya humne ab naashte mein hum khane wale hain parathe bahut din ho gaye matlab literally mujhe yaad bhi nahi hai last time maine kab parathe khaye to maine निपुण से पूछा आते कि निपुण आज पराठे खाए मैंने ट्राई मारा क्योंकि निपुण जनरली ना ये पराठे वराठे बंद कर दिया उसने खाने इसलिए हाँ खाते हैं तो वैसे भी सर्दी का मौसम है दिल्ली में बहुत ठंड हो रही है सुबह सुबह हम वर्कआउट पे चले तो जाते हैं रोज सोचते हैं कि आज कैंसिल करते हैं हिम्मत मैं निपुण तो शायद नहीं सोचता बट मैं सोचती हूँ ध्यान से देखिए इस इंसान को जो वर्कआउट करके आ गए हैं बीवी ने आके कोकोनट वाटर दे दिया है इनको फॉर अ चेंज वैसे ये लाते हैं रोज रजाई में वैसे निपुण को मैं कुछ बोल भी नहीं रही क्योंकि बेचारा रोज सुबह ऑफिस जाता है ये मेरे साइड पे जो आपने सारे कपड़े लगा दिए हैं उसका कुछ आप कहना चाहेंगे ये क्या सच बादाम भी ले आई हूँ मैं बादाम तो खा लूँ बट आई एम लविंग दिस सिचुएशन ऑफ व्लॉगिंग थ्रू माई न्यू कैमरा आई एम सो एक्साइटेड I have changed into my winter uniform. This is literally my winter uniform. मैं हर winters में इसको इतना रगड़ती हूँ ना. This is actually like a furry jacket that I got like a while back from Shein. In fact, majority of my winter clothing it's from Shein. I am that kind of person who doesn't like to invest in winter clothing. मतलब क्योंकि दो महीने की तो सर्दियाँ होती है, दो ढाई तीन महीने की सर्दियाँ होती है दिल्ली में. तो मुझे लगता है कि यार इतने महंगे 5,000-6,000 के coats वगैरह doesn't make sense. Like I don't want to. I have winter clothes that I bought from Shein, from my collaborations in the past, and मेरा उसी से ही काम चल रहा है. So इसमें एक problem भी होती है that some you know whenever I post pictures of me wearing those sweaters, you all continue to ask me कि ये sweater कहाँ से है, sweater कहाँ से है. It's from Shein, but can't help it. कुछ थोड़ा बहुत मैं खरीद लेती हूँ इधर-उधर से, H&M वगैरह से या Myntra से. Mostly मेरा winter collection Shein से है और ये भी. अभी मैं जा रही हूँ किचन में मक्खन निकालने के लिए क्योंकि पराठा बिना मक्खन के अब कैसे खा सकते हो ना. आज बनने वाले हैं गोभी के पराठे. तो पहले हमें लगा गोभी नहीं है तो आलू बॉयल हो गए, बट फिर दीदी ने देखा कि गोभी है. गोभी के पराठे बन रहे हैं, ये खाएंगे, आलू को बाद में देखेंगे. यहाँ थोड़ी सी ना मलाई पड़ी हुई है, एक्चुअली काफी सारी मलाई है, तो इसका मैं मक्खन निकालने वाली हूँ ताकि हम पराठे के साथ खाएं. लंच पे बन रहा है दलिया, तो यहाँ पे दीदी ने दलिया प्लस दाल, वो गीला गीला वाला जो दलिया होता है वो बना लिया. तो उसमें मटर, गोभी, ब्रोकली, ये सब सब्जियां जाने वाली हैं. और रात को मैंने दही जमाई थी जो कि नहीं जमी. तो आज सुबह मैंने ना ये कपड़ा रखना भूल गई थी और मैंने ऐसी रख दी थी, तो बिल्कुल ही अभी दूध है. तो मैंने कन्वेक्शन पे थोड़ी देर गर्म करा है माइक्रोवेव और अब कम्बल से ढक के, क्योंकि दही को ठंड लग गई है, तो अब होपफुली ये जम जाएगी. लेट्स सी. आई एम गोना ऐड सम गर्म पानी इसके ऊपर ताकि थोड़ा मेल्ट हो जाए, मक्खन निकल जाए आराम से. Fresh makhan is ready. It's paratha time. Enjoy.
पड़ी है, मक्खन तो देख लो यार, भर के इसका घी निकालेंगे। ऑब्वियसली हम इतना मक्खन तो नहीं यूज करेंगे, तो जितना भी यूज होगा जो बच जाएगा उसका हम घी निकाल लेंगे, होममेड घी। माय पराठा इज हियर। यूजुअली बॉइल्ड एग्स खा रहे होते हैं या फिर दलिया पोहा उपमा नाश्ते में खा रहे होते हैं, आज फाइनली सर्दियों का जो डिलाइट है गोभी का पराठा विद मक्खन। ओए होए, पराठा हमारा एक इंटरेस्टिंग सा प्लान भी है, मैं बताऊंगी, बट अभी मेरा पराठा थोड़ा मक्खन पिघल रहा है तो बाद मिलते हैं, पहले मैं खा लूं। मैं नहा चुकी हूं, जैसे कि आप लोग देख चुके हो, मैंने बाल धोने की हिम्मत करी है, फिर से मैंने बाल धो लिए, 3:15 हो चुके हैं। हमें वैसे तो निकलना था 3 बजे तक, बट निपुन को थोड़ा काम आ गया ऑफिस का, तो अभी वो चल रहा है उसका, मैंने अपना थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। वैसे मैं जा कर रही हूं, मैंने ये बताया नहीं, तो मेरे घर पे ना बुआ के बेटे की शादी है जनवरी में, लाइक अ डेस्टिनेशन वेडिंग, सो रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। उसके लिए ऑब्वियसली कपड़े चाहिए, घर की शादी है तो सब कुछ नया बनवा रहे हैं हम, सब कुछ लाइक मैंने जो है गुड़गांव में एक बुटीक में एक मेहंदी के लिए सूट देखिए, वो गलती कर दी है क्योंकि उसने तब बकवास सिलाया मेरा सूट और पूरा सूट बेकार कर दिया, बट स्टिल आई वेयर इट एंड यू नो एक्सेसराइज इट एंड मेकअप एंड हेयर के साथ, होपफुली आई लुक नाइस। इतना तो मुझे अपने में कॉन्फिडेंस है, तो मैं दिखाऊंगी वो सारा बाद में बात करेंगे, पूरे आउटफिट कैसे क्या घपला हुआ है जो भी हुआ है। बट एनीवे, मैंने अपना शादी का लहंगा और हल्दी का जो आउटफिट है वो मैंने दिया हुआ है आज, तो उसका मेरा ट्रायल है। आई लिटरली जस्ट फेल बैक टू द बुटीक जो छवि ने जहां से अपना लहंगा वहंगा बनवाया, उसका काफी सही लगा, उसकी फिटिंग वगैरह उसने काफी ट्राई कर लिया, वहां से बहुत सारी चीजें बनवा ली हैं। उसने बोला कि दीदी आप बस यहाँ आ जाओ, छोड़ो गुड़गांव को और अब यहाँ आके बनवाओ, तो अगर वो बुटीक से अच्छा बना तो मैं वो बुटीक की जो डिटेल्स है वो शेयर कर दूंगी आपसे जरूर। तो 6 बजे के करीब मैंने बोला है उनको कि मैं आ पाऊंगी और ट्रायल होगा। मैं ऑलरेडी ब्लाउज देख चुकी हूँ अपने लहंगे का, जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है, देखते हैं कैसा होगा। आई एम ऑल्सो गेटिंग अ सगन का आउटफिट मेड फ्रॉम एथनिक ट्रेंड्स इंडिया, जिन्होंने मुझे बहुत सारे सूट्स भेजे हुए, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप लोग बनाना चाहोगे एंड थोड़ा बहुत हमने आइडिएशन वगैरह में बात करी, तो वो लोग बना रहे हैं, वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहां का भी देखने के लिए कैसा बनता है। और प्लीज 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 पीछे का जो गन बचा हुआ है ना मेरे कमरे का, वो आई होप कि छुप रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा। मैं तैयार होकर ना उसके बाद सब समेट के जाऊंगी, क्योंकि रात को ऑब्वियसली हम थोड़ा लेट आएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि हम घर आए और घर एकदम यू नो बिखरा हुआ हो, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। आई एम स्टार्टिंग विद द YBP हाइड्रेटिंग सीरम मिस्ट। ओ हो, क्या फोकस कर रहा है इस कैमरे में, मजा ही आ गया। आई जस्ट यूज दिस, आई यूजुअली यूज लाइक यू नो सीरम मिस्ट्स लाइक दीज और लाइक रोज वाटर, जिससे मेरा जो फेस है हल्का सा डैम्पन हो जाए मेरे स्किन केयर एक्चुअली करने से पहले। सो I'm trying out the Clinique Moisture Surge. ये मैंने Nykaa की Pink Friday सेल में मंगवाया था, तो फोकस हुआ है, सॉरी गाइज, बट मैं थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ इस कैमरे से, राइटली सो, बिकॉज आई हैव अर्नड इट। पहले पता क्या होता था, फोन से अगर मैं व्लॉग कर रही हूँ ना, तो पहले तो फोन को रखूँ कहाँ, फिर किसी का फोन आ जाए बीच में, पहली बात तो क्वालिटी ही बढ़िया नहीं है, मुझे लगता था कि यार ये क्या है, मैं कैसे शूट करूँ। अभी भी मैंने कैमरे में ना कोई सेटिंग वेटिंग चेंज नहीं करी, जैसे ये कैमरा आया ऑटो पे मैं लिटरली वैसे ही शूट कर रही हूँ, मैंने देखा भी नहीं है कि FPS क्या है, वो सब आई थिंक मैं धीरे धीरे यू नो ग्रेजुअली लर्न करूंगी कि अच्छा नहीं ये सेटिंग चेंज करनी है ये सेटिंग, बट अभी देखने में तो मुझे लग रहा है कि मस्त आ रही है वीडियो, सो आई एम गोना कंटिन्यू दैट। मुझे टाइम ही नहीं मिला यार कैमरा का ना प्रॉपर सेटिंग वगैरह देखने का, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आई नो इफ यू ऑल हैव नोटिस्ड, बट मेरे अंडर आईज मुझे लग रहा है थोड़े ज्यादा हो गया आजकल। मैंने ना Nykaa पे, मैं लिटरली इंस्टाग्राम पे थी और एक एड आई L'Oreal के इस प्रोडक्ट के बारे में, ASMR एड, एंड आई वाज लाइक सो इंट्रीग्ड कि चलो इसको ट्राई करते हैं। दिस इज नॉन स्पॉन्सर्ड एंड दिस इज द L'Oreal Paris Revitalift हाइलुरोनिक एसिड आई सीरम। ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि इसका जो ये ऐसे एप्लीकेटर है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट सा है और इट्स सपोज टू लाइक यू नो काइंड ऑफ गिव यू लाइक अ मसाज ऑल्सो जब आप इसको यूज करो। अच्छा चलो इसको ट्राई करते हैं। बट हाँ, ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि आपकी जो पफिनेस है आईज में और डलनेस है ना वो हट जाएगा, तो अभी तो मैं यूज स्टार्ट ही कर रहा हूँ यूज करना। रिमेनिंग आई एम जस्ट गोना मसाज इट अंडर माई आईज जस्ट सो दैट इट्स कम्प्लीटली अब्सॉर्ब्ड इन माई स्किन। आफ्टर दिस आई एम गोना यूज द YBB प्लांट रेमेडी स्किन सेल। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू यूज इन विंटर्स एंड एक्चुअली इन समर्स ऑल्सो। इट्स अ मिथ दैट यू नो ऑयली गर्ल्स, ऑयली स्किन टाइप गर्ल्स शुड नॉट यूज फेशियल ऑयल्स। इनफैक्ट एक स्टडी भी है, आप गूगल कर सकते हो एंड यू वुड सी दैट दे रेकमेंड कि अच्छा अगर ऑयली स्किन टाइप है तो फेशियल ऑयल्स कैन एक्चुअली हेल्प कंट्रोल दैट ऑयल। एंड एज आई ऑलवेज से, आई रियली लाइक टू एंजॉय माई स्किन केयर। आई डोंट लाइक कि मैं अपने स्किन केयर को बहुत ही एक रूटीन की तरह ट्रीट करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको साथ साथ एंजॉय भी करूँ, तो मैं मसाज भी अच्छे से करती हूँ। पता ही बात बताऊँ, मैंने निपुन को भी स्टार्ट करा दिया है यूज करना।
मैं बोलती हूँ तुम्हारी स्किन ना ग्लो नहीं कर रही है, तुम यूज करो ये. एंड देन ही स्टार्टेड यूजिंग इट एंड ही स्टार्टेड लाइकिंग इट. सो कभी कभी जब उसको याद आता है सुबह ऑफिस में तैयार होने के लिए तो वो कर लेता है यूज. अब क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं सो आई एम गोना यूज द YBP सनसेल्व. और भी बहुत अलग अलग टाइप के सनस्क्रीन्स हैं जो मैं अभी रिसेंटली ट्राई कर रही हूँ, बट आज मेरे हाथ में यही आया. दिस इज एक्चुअली माय सेकंड बॉटल, मैंने पहली वाली खत्म कर दी है. दिस इज रियली नाइस, आई लाइक इट, सो हेंस आई ऑर्डर्ड. अभी मुझे एक्वालॉजिका ने बहुत सारे सनस्क्रीन्स भेजे हैं तो मैं वो भी ट्राई कर रही हूँ. तो कुछ मैंने कॉम्बिनेशन यूज करती रहती हूँ. मेरे पास इतने सारे सनस्क्रीन है ना, आई लव ट्राइंग आउट न्यू सनस्क्रीन्स आल्सो. ऑल डन. एंड अभी मैं फटाफट से बस थोड़े से अपने बाल जो है ड्राई करती हूँ एंड मेकअप करती हूँ और फिर तुम लोगों से मिलती हूँ. थोड़े बहुत तो बाल ड्राई हो गए, बाकी आई एम जस्ट गोना लेट इट नेचुरली एयर ड्राई. पीछे से आई एम श्योर अभी थोड़े गीले हैं. बाय द वे कल मैं हेयर कलर के लिए जा रही हूँ, चेंज माय कलर एंड यू नो जस्ट शेक इट अप अ बिट. ऑब्वियसली शादी आ रही है तो मेरे को थोड़ा सा आएगी कि थोड़ा सा हेयर कलर चेंज होना चाहिए, तो वहां भी लेके जाऊंगी आप लोगों को साथ में. सो बाय द वे रात को हम लोग थोड़ा डिनर पे जा रहे हैं CP. तो मैंने सोचा यार ये जो मैंने पहना हुआ है वो थोड़ा सा रात के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा, सो लेट मी ऑल्सो शो यू व्हाट आई एम वेयरिंग. दिस इज समथिंग दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. और रात के लिए आई एम कैरिंग लाइक दिस डेनिम स्कर्ट, दिस टर्टल नेक टॉप एंड दिस व्हाइट कोट. ये व्हाइट कोट शेन से है, जैसे कि मैंने सुबह पहले ही डिस्क्लेमर दे चुकी हूँ. सबसे पहले घर जाऊंगी मम्मा के, तो वहां जाके चेंज कर लूंगी. सो आई एम गोना कीप दिस एंड बिफोर आई एक्चुअली डू माई मेकअप आई एम थिंकिंग मैं लंच कर लेती हूँ. दलिया बनाया है, मैं दिखाती हूँ. पहले तो बहुत टेस्टी सा है. इट्स जस्ट लाइक प्याज, टमाटर, राई, कड़ी पत्ता एंड देन ऑल वेजिटेबल्स, मटर, ब्रोकली, गाजर, सब डाला हुआ है इस दलिया में. और दलिया और दाल, मूंग धुली दाल मिक्सड है और कुकर में सीटी लगी हुई है. सोचो पहले ये खा लेते हैं और फिर उसके बाद मेकअप करूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी है, अपन को भी थोड़ा टाइम लगेगा, नहाना भी है उसने, तो गर्म करना पड़ेगा. अभी तो ये बिल्कुल ठंडा हो गया. सर्दियों में ना एक तो ये बड़ी चक्कर है, मतलब हर चीज ठंडी बड़ी जल्दी जाती है. थोड़ा सा तो मुझे पानी डालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि बहुत ही गाढ़ा हो गया. दिस इज द यमी दलिया दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. इसमें थोड़े से आलू भी है, क्योंकि पहले सुबह हमने सोचा कि हम आलू का पराठा खाएंगे, वो आलू बॉयल से, तो फिर मैंने दीदी को बोला थोड़े से आप इसमें ही डाल दो. अब ये कंसिस्टेंसी मस्त है. ऑलराइट, आज गर्मा गर्म लंच इज रेडी. और क्विक एक ऐसे प्रो टिप देना चाहूंगी, अगर इस दलिये में आप थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाल दो ना तो और भी बहुत बढ़िया लगता है. तो ये निपुन का बोल है, ये मेरा बोल है, हमारे साइंड बोल्स है बाय द वे. पहले निपुन को देख के आती हूँ काम कर रहा है बेचारा. मैं इतना व्लॉग कर रही हूँ, मैं सबसे व्लॉग ही कर रही हूँ, मुझे लग रहा है ये कैमरे की वजह से. हाँ फील्स, विंटर में गर्म गर्म दलिया खा रहे हैं हम सैटरडे को. रात को हमने बाहर खाना खाना ही है, हमारा प्लान है. मैं बता चुकी मम्मी को हमारा प्लान है रात का. मम्मी का एक्चुअली कॉल आ रहा है कि क्या खाओगे शाम को बताओ. अभी फिलहाल के लिए दलिया एंजॉय करते हैं गरम गरम, फुल जल्दी निकलते हैं. अब हो गया, बहुत टाइम हो गया है, अब 1.5 घंटे तक निकल चलते हैं. फटाफट से थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं, लंच कर लिया है, पेट पूजा हो गई है. रिसेंटली गॉट दिस कंसीलर, दिस इज फ्रॉम के ब्यूटी, इसका शेड है 170P Tan. See, I just needed this bit of concealing, that's it. मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही. I'm gonna use my MAC Studio Fix. And for the blush, I am using one of my favorites. This is Rare Beauty का Hope. Honestly, मेरे को है ना ऐसा नहीं है कि मेरे को branded ही use करना है, because मुझे पता है कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मैंने इसको US से मंगवाया है. बट अगर आपको पता है कोई ब्लश जो इंडिया में अवेलेबल है ऐसा इस तरीके का, जो कि बहुत ही प्यारा सा फ्लश ऑफ कलर देता है चीक पे, तो मुझे बताओ, मैं जरूर ट्राई करूंगी. बस दो ब्लशेज आए हुए वैसे NYBay से, मूज ब्लशेज, वो भी मैं ट्राई करूंगी. बट अभी के लिए really nicely blended in my skin. There you have it. And there you don't. And I'm just gonna apply some eyeliner off camera and see you in a bit. Lipstick is gonna be Hot Latte from Kalabar. Earrings, I got these from Lajpat. All done. Hello, तो मैं तैयार हो चुकी हूँ. Actually, मैं show you the camera, मैं सुबह से बोल रही हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ. फिर मैं सोचा मैं दिखाऊं कैसे आप लोगों को, मुझे फोन से ही व्लॉग करना पड़ेगा. सो दिस इज ऑब्वियसली डब्बा दैट द कैमरा केम इन, दिस इज द निकॉन Z30. एक चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि इसमें ना मेरे को प्रॉपर जो कैमरे का बैटरी चार्जर जो होता है ना वो नहीं है. इसमें एक तार है जो मैंने अपने एप्पल के आईफोन के चार्जर से ना लगा के सिंपल मैं यहाँ पे चार्ज कर सकती हूँ, सीधा बैटरी डायरेक्टली चार्ज हो सकती है, विच आई फाउंड टू बी वेरी कूल. एंड या सो दिस इज द कैमरा, दिस इज द कैमरा फ्रॉम विच यू सॉ द प्रीवियस फुटेज फ्रॉम. बट इज दैट यहाँ पे एक फ्लिप स्क्रीन है, सो अगर मैं व्लॉग कर रही हूँ सो आई कैन जस्ट लाइक यू नो डू लाइक दिस एंड देन आई विल बी एबल टू सी माई सेल्फ विच इज ग्रेट. एंड अभी मैं व्लॉग कर रही हूँ अपने फोन से एज वेल एज अपने नए कैमरे से, और आप लोग देख सकते हो ऑब्वियसली क्वालिटी में फर्क तो है ही, मतलब विदाउट अ डाउट ये फोन है और ये प्रॉपर एक प्रोफेशनल कैमरा है. और अभी जो ऑडियो आ रही है आपको वो मेरे कैमरे से आ रही है, और अभी जो आपको ऑडियो आ रही है मेरे फोन से आ रही है. आप लोग देख सकते हो क्या फर्क है. लाइटिंग का भी देख सकते हो आप, इसने मेरी जो सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे तो काफी सटल कर दिया है. यहाँ पे जो है बहुत हार्श लाइटिंग लग रही है आईफोन में अभी भी. यस, दिस इज गोना बी माय न्यू कैमरा सिचुएशन, माय न्यू कैमरा सेटअप. ऐसा फुटेज मैं कंपेयर
कंपेयर भी कर रही हूँ, ये वाली जो फुटेज है वो ऑफकोर्स मेरे को निकॉन के Z30 कैमरे से है, और ये जो फुटेज है वो मेरे आईफोन 11 के फ्रंट कैमरे से है। ऑडियो भी आप लोग बताना कि किसमें आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, आपको ये वाली ऑडियो ज्यादा अच्छी लग रही है या फिर ये वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। बट वैसे आपके पास ऑप्शन है, मैं इससे ही रॉक करने वाली हूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू टू द निकॉन टीम वंस अगेन फॉर सेंडिंग दिस कैमरा टू मी। आई एम रियली रियली हैप्पी एंड रियली ग्रेटफुल दैट आई कैन गेट दिस ऑपर्चुनिटी टू एक्चुअली ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट एंड यू नो शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल एंड ऑल्सो हैव द क्वालिटी ऑफ द व्लॉग्स इम्प्रूव टू बी मच मच बेटर। सो या आई एम सो एक्साइटेड। फाइनली निपुण सत्यवा तैयार हो गए हैं आफ्टर काफी बहुत लेट करके मेरे को, फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ा कुछ तो करो, थोड़ा लाइक थोड़ा स्टाइल मारो थोड़ा। काफी ट्रैफिक सिचुएशन हो गई है, कोई वीआईपी मूवमेंट हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, खड़े हुए हैं और खड़े खड़े ईटीएम बड़े ही जा रहे हैं, बड़े ही जा रहे हैं। फाइनली रीच्ड। हेलो, अब जाके ट्राउजर बनाएगा, मुझे ऐसे बोलते हुए कि नहीं मिली। गुड़गांव में मैं जैसे भटक भटक के परेशान हो चुकी हूँ और अब मैं आई हूँ छवि की वजह से इनके पास। ठीक है, भानु को बोलो 9 बजे आके ट्राउजर दिखाओ, अदरवाइज वो फिर हो जाता है, मैं शिमी शिमी करूंगी इसमें। सारे ढूंढ डांड के लाई थी। हाँ अच्छी लगी, सही है, नाइस। गाइस ट्रायल तो मैंने कर लिया है और मतलब सारे आउटफिट्स मैंने ट्राई कर लिए, मस्त लग रहे हैं एकदम। लहंगा रेडी हो चुका है जो कि आप लोग देखोगे बहुत ही जल्दी क्योंकि शादी अगले हफ्ते ही है। हल्दी का आउटफिट रेडी हो गया है और मेहंदी का जो आउटफिट है उसमें थोड़ा सा ठीक कर रहा था तो वो थोड़ा बहुत ठीक हो गया और अब बहुत बेटर लग रहा है। मैं आपको पहले जरा ओनर से मिलवाती हूँ बुटीक की, आपको भी अगर आना है तो आप लोग भी आ सकते हो। हाय, मैं अर्चना पारिक, मेरा बुटीक है मोहिनी बुटीक के नाम से ईस्ट दिल्ली में। तो हम यहाँ पे वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, एथनिक हर तरीके के काम करते हैं और मैं चाहूंगी कि आप लोग आइए और मेरे बुटीक पे ट्रायल लीजिए। रिद्धि जी तो बहुत सेटिस्फाई हुई है, छवि जी भी सेटिस्फाई है, छवि जी ने बहुत कुछ बनवा लिया है। आशा करती हूँ मैं आप सबको सेटिस्फाई करता हूँ और स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। छवि ने का बहुत बहुत थैंक्स कि मेरे को लेकर आई यहाँ पे, शादी पे धमाल एकदम, हॉट सिस्टर्स लगने वाले हम। और हाँ बेसिकली ये नाम है बुटीक का मोहिनी बुटीक, तो आप लोग आ सकते हो और ये प्यार से बुटीक है। हेलो, चलो चले। ऑल राइटी, हम घर आ गए हैं और ये है सिमरन मेरी बहन, बहना मेरी मासी की बेटी। छवि चली गई अपने डॉग्स को फीड कराने के लिए बट मैंने फटाफट से चेंज कर लिया, कोजी कोजी और कोजी कोजी हो गई। और मैडम शी इज लुकिंग हॉट टुडे। ओह माय गॉड, दिखा देते हैं कि हमने क्या पहना है। क्विक चेंज ऑफ आउटफिट हो गया है, दोनों जैकेट और स्कर्ट शीन से और ये टर्टल नेक है ये मैंने पहन लिया है और अब काफी कोजी कोजी लग रहा है उसमें थोड़ा सा। अब रात को ठंड लगनी शुरू हो रही थी बट हाँ तैयार हो गए हैं, मामा बाई चांस घर पे नहीं है बट कोई बात नहीं, लेट्स गो, लेट्स गो पार्टी। बस चेंज करने ही तो आई थी मैं, फटाफट से हेलो बोल दो, फटाफट से हेलो। हाँ नहीं बट वो अभी मिला नहीं है, अभी मिला नहीं है, फोटो दिखा। छवि, छवि फीड हो गया आपका? नहीं, मेरी वजह से लेट हो गए आप। थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए इतनी सैक्रिफाइस करा है ना, थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको मेरे कपड़े देखते? अमीरों के फटे हुए कपड़े, गरीबों बेचारे बहुत तरसते रहते हैं कि अच्छे कपड़े मिले। हाँ ये देख, इसको ना स्टाइल बोलते हैं, फैशन बोलते हैं इसको, फैशन बोलते हैं और क्या, फैशन का जलवा, गरम गरम हलवा। सॉरी गाइस, हटो ये कपड़े का फैशन। इसको भी दे देना वरना ये जनाब ट्रीट देने आए हैं। ओए होए होए, वी हैव कम टू खान मार्केट। हाय गाइस, कैसी लग रही है तुम्हें ठंडी? दिल्ली की ठंडी कैसी लग रही है? हेलो, वाइन टेस्टिंग, चलो ट्राई, गो फॉर इट। वाइन एंड चीज, साढ़े 12 हो चुके हैं रात के और घर पे ठंडी हो रही है, हीटर चला के बैठेंगे। अब बस एक चीज करनी बाकी है, कपड़े धोने हैं। ऐसे ना सर्दियों में कपड़े एक तो या तो धुल नहीं रहे और कपड़े इतने सारे आसपास सिर्फ कपड़े ही कपड़े हैं और सूख भी नहीं रहे कपड़े। अपना जो कपड़े हैं सारे कपड़े मशीन में लगा के सिर्फ उसको सुखाएंगे, बट देख लो 12:30 बजे रात को ये कर रहे हैं। बट एनी हू, आई एम गोना एंड द व्लॉग हियर। आई थॉरली एंजॉयड माई आउटफिट ट्रायल, जो मेरा ट्रायल था
खाना है इस बार का। जिस बुटीक से मैंने ये सिलवाया है वो मैं नीचे डाल देती हूँ, उनका एक इंस्टाग्राम स्टोर है और लोकेशन वगैरह मैं डाल दूंगी नीचे। बट मैंने अभी ऑब्वियसली लाइक आई पेड फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई गॉट स्टिच, फैब्रिक, लेस और ये सब सब कुछ है उसका पूरा ऑब्वियसली खर्चा है। या दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, आई हैव ट्राइड दिस माई सेल्फ एंड आई रियली लाइक इट। आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयरिंग द लहंगा, इट्स गोना लुक सो स्टनिंग विद लाइक द मेकअप एंड द हेयर एंड द ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। यू शैल सी ऑल ऑफ दोज आउटफिट्स इन द व्लॉग्स, द वेडिंग व्लॉग्स दैट आर कमिंग। आई एम सुपर एक्साइटेड टू ऑल्सो व्लॉग विद दिस कैमरा। सो या विद दैट आई एम जस्ट गोना से बाय बाय, गुड नाइट। एंड अगर आप लोगों को मजा आया हो व्लॉग देखने में तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई एम गोना सी यू ऑल माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।